जो कि अम्बाला से सामने आई है, किसानों के फसल नष्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है। मटेड़ी गांव में किसान ने नष्ट की गेहूं की खड़ी फसल, तो मटेड़ी गांव की यह खबर है। किसान ने गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाया, ये बड़ी और अहम खबर अम्बाला से इस वक्त सामने आ रही है। किसान के फसल नष्ट करने का सिलसिला जारी है। अम्बाला से बड़ी और अहम खबर आपको जानकारी दे दें कि मटेड़ी गांव में किसान ने गेहूं की खड़ी फसल नष्ट की है। राकेश टिकैत के आह्वान के बाद लगातार किसान अपना रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रोष व्यक्त करते हुए किसान अपनी गेहूं की खड़ी फसलों को ट्रैक्टर से नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां अम्बाला से एक और यह खबर सामने आई है, जहां मटेड़ी गांव में किसान ने गेहूं की खड़ी फसल नष्ट की है। गेहूं की फसल इस वक्त अपने वृद्धि के अंतिम पड़ाव पर है और इसी बीच किसान गेहूं की खड़ी फसल को नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी खबरें प्रदेश के तमाम हिस्सों से सामने आ रही हैं। प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही है। अम्बाला से भी यह खबर, जहां मटेड़ी गांव की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। देखिए, इस किसान को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ में ये जो बुजुर्ग किसान है ये भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इन किसानों को आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर रहे हैं और ये आप बालियां देख सकते हैं। गेहूं की फसल इस वक्त अपनी वृद्धि के अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन किसान अपनी खड़ी गेहूं की फसल को नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पौ के महीने में यही किसान थे जिन्होंने इन फसलों में पानी दिया था। सर्दी में किस तरह से ये किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर रहे थे, लेकिन अब देखिए किसानों का रोष किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है। रोषात्मक प्रतिक्रिया यहाँ प्रदेश के तमाम किसानों की ओर से देखी जा रही है। अपनी ही फसल को ये किसान अपने ही संसाधन, अपने ही ट्रैक्टर से नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अम्बाला के मटेड़ी गांव की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। देखिए इस वक्त यहाँ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं जो इस किसान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गेहूं की खड़ी फसल ही से नष्ट ना करें। लेकिन किसानों का यही कहना है कि सरकार उन्हें ना तो MSP दे रही है ना उनकी फसलें खरीद रही, तो इससे अच्छा तो यही है कि वो अपनी फसलों को खुद ही नष्ट कर दें। अब देखिए इन किसानों को रोकने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान नहीं मानता है। किसान दोबारा अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करता है और मौका देकर ये जो लोग इन्हें समझाने आए थे ये भी हट जाते हैं और फिर किसान दोबारा अपने खेत को इस तरह से, इस खेत की फसल को नष्ट करते हुए, रौंदते हुए फिर दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए अम्बाला के मटेड़ी गांव से सामने आई हैं। किसानों के फसल नष्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है। अम्बाला से तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए किस तरह से किसान यहाँ अपनी गेहूं की खड़ी फसल को नष्ट कर रहे हैं, ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर रहे हैं। और BS गुलियानी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। BS गुलियानी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, तमाम दर्शकों को भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस किसान को समझाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन किसान तब भी नहीं मानते हैं। वो ट्रैक्टर हर्रो के साथ फिर दोबारा अपनी फसल को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या प्रतिक्रिया इस किसान की ओर से सामने आई? जी बिल्कुल, आज अंग्रेजी किसान ने जैसे ही अपनी फसल पे ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट करने का काम शुरू किया तो गांव वाले व उसके जो आसपास के किसान भाई थे उन्होंने आकर उसे अंग्रेज सिंह को समझाने की काफी कोशिश की कि कोई ना कोई हल निकल जाएगा। लेकिन किसान अंग्रेज इस तरह से आ था, उसका कहना था कि अब तक 300 से भी ज्यादा किसान भाई वहां पर बॉर्डर पर जो है वो अपने जो प्राण त्याग चुके हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी फसल जो है बर्बाद करने का स्वयं फैसला लिया है और उसे ना रोका जाए। जी BS गुलियानी, ये कितने एकड़ में किसान ने अपनी फसल नष्ट की है? क्योंकि देखिए गेहूं की फसल इस वक्त अपनी वृद्धि के अंतिम पड़ाव पर है, जैसा कि मैं तस्वीरों में भी देख पा रही हूं कि करीबन 1-1.5 महीना और इसके बाद फिर गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया BS गुलियानी तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। ये किसान जिनका नाम अंग्रेज है, ये अपनी फसल नष्ट कर रहे हैं। ये गेहूं की फसल है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, अपनी वृद्धि के अंतिम पड़ाव पर है गेहूं की फसल। अब मार्च महीना शुरू हो चुका है, मई जून में गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है, तकरीबन कई क्षेत्रों में अप्रैल के अंत में भी गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। तो ये तस्वीरें प्रदेश के तमाम जिलों से सामने आई हैं।